मैं खुद दो बच्चों की माँ हूँ और हर एक स्टेज पे मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें लगी रहती हैं कि बच्चे को किस तरह से अनुशासन सिखाया जाए। और जो भी चीज़ें मुझे अच्छी पता चलती हैं या जो भी चीज़ें मैं अपने बच्चे के लिए अप्लाई करती हूँ और वो वर्क करती है, तो मैं सोचती हूँ कि इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी जो कि आपके बच्चे को अनुशासित रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस फैमिली बेबी केयर पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे को अनुशासित रखने से पहले एक नंबर वन चीज जो कि एक रामबाण उपाय है कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसी का रिप्लिका बच्चा आपके साथ करता है। अगर आप जंक फूड खाती हैं, बिल्कुल आपकी लाइफ स्टाइल एकदम बिगड़ी हुई है, तो आपका बच्चा भी जंक फूड को ही ऑप्ट करेगा, कोई भी न्यूट्रिशनल फूड को नहीं खाएगा। पहली चीज, अगर आप बुक्स पढ़ती हैं, आपकी आदतें बुक्स पढ़ने की है, या फिर आप अपने माहौल को बहुत अच्छा बनाती हैं, पॉजिटिव बनाती हैं, जिसमें आपको इंस्टाग्राम के रील्स या फिर बहुत ज्यादा फेसबुक के रील्स आप पूरे टाइम फोन पे हैं, तो बच्चा भी फोन को ही ऑप्ट करेगा, बुक्स को ऑप्ट नहीं करेगा। तो नंबर वन चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो है कि जो अगर आप बच्चे को अनुशासित बनाना चाहती हैं तो आपको खुद भी अनुशासित रहना पड़ेगा। आपको पता है कि ये आपकी लिमिटेशन है या फिर जो आपकी डिसिप्लिन की एक रूटीन है, वो अगर आप भी फॉलो करेंगे तो बच्चे के भी रिप्लिका बच्चे में आती है और वही सारी चीज़ें बच्चा भी सीखता है। तो सबसे पहले सेल्फ आपको खुद डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका बच्चा आपको रिप्लिकेट करेगा। दूसरी चीज़ कि आप अगर अपने बच्चे को कभी भी कुछ चीज़ें समझा रहे हैं तो ना ही आप अपने आवाज़ को बहुत ज़्यादा तेज करेंगे, ना ही इरिटेट होंगे, झुंझुलाहट के साथ अगर सारी चीज़ें अगर आप बच्चे को समझाती हैं तो 100% मान के चलिए कि बच्चा भी आपका चिल्लाना सीखेगा। मैं खुद अपने बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस देख रही हूँ, क्योंकि कई बार मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ स्ट्रेस को लेके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कई बार हैंडल नहीं होता है और वही सारी चीज़ें मेरा बच्चा भी मेरे साथ करता है। तो मैंने इसके ऊपर एकदम चेक लगाया है कि मैं बिल्कुल भी इरिटेट होके उसे कुछ भी नहीं सिखाऊंगी, शांति से उसको हर एक बात सिखाना है। तीसरी चीज़ है कि आप अनुशासन का एक लिमिट बनाइए कि इस समय बस यही करना है, इससे ज़्यादा मैं ये नहीं कर सकती हूँ। जितना क्लियर अगर आप डिसिप्लिन के रूल्स बनाइएगा, बच्चे को समझने में उतनी जल्दी होगी और उतनी जल्दी और आसानी से वो समझ पाएगा। चौथी चीज़ है क्या कि बच्चे कई बार टैंटम्स करते हैं, उनको समझ में चीज़ें जल्दी नहीं आती हैं, उनको पता है कि नहीं नो मीन्स नो है, तब भी बच्चे कुछ ना कुछ ज़िद करते हैं और ज़िद उनकी इतनी ज़्यादा हो जाती है, कई बार दूसरों के भी सामने ज़िद पसारना शुरू कर देंगे। तो ऐसे केस में अपने आप को सरेंडर बिल्कुल ना करें। आपको लगता है कि आप सरेंडर कर दीजिएगा तो बच्चा पिघल जाएगा, बच्चा फिर से वो बात मानने लगेगा, तो आप कुछ ऐसा रास्ता निकालिए कि दूसरों के सामने ये सरेंडर वाली चीज़ें ना आए, क्योंकि वो दूसरे भी आपको देख रहे हैं और जज कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आपके बच्चे और आपके बीच में कुछ जो बातें हैं वो पर्सनल है, उनको एक रेखा ज़रूर खींच करके दीजिए कि ये टाइम पे जब कोई सामने है, कोई बाहर वाला अगर आया है, उस टाइम पे तुम ये सारी चीज़ें नहीं करोगे, और अच्छी तरह से उसको समझाते हुए आप इसको फॉलो ज़रूर कराइए, क्योंकि बच्चे उनको पता है कि माँ बाप तो पिघल जाएंगे, हम तो आंसू बहाएंगे या फिर हम भूखे रहेंगे तो माँ बाप पिघल जाएंगे। लेकिन जब अगर आप लिमिटेशन बना ही लीजिएगा, अपने जो डिसिप्लिन का एक रूल का लिमिटेशन होगा आपका, तो उस टाइम पे बच्चे भी आपकी डिसिप्लिन को फॉलो ज़रूर करेंगे। पाँचवीं चीज़ क्या है कि जब भी अगर बच्चा आपकी डिसिप्लिन की बातों को मानता है, आपको पता है कि कब बच्चे को ढील देनी है, कब आपको थोड़ा सा उसको ईज में रखना है, और जब वो काम वो बच्चा आपका करता है तो उसको प्रेज करना भी आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मतलब ऐसा मत करिएगा कि आपने उसकी कीमत ही नहीं समझी, आपने उसको प्रेज ही नहीं किया। आपको पता है कि खाना खाने के बाद अपनी प्लेट को किचन में जाके सिंक में डालना है, ये आपने एक रूल बनाया, और बच्चे ने जब वो काम करना स्टार्ट कर दिया है, पहला दिन नहीं करेगा, दूसरा दिन नहीं करेगा, तीसरे दिन से जब उसने स्टार्ट कर दिया है, तो उसके काम को आप अप्रिशिएट करें, बोलो कि थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा आपने काम किया, अपना काम आपको खुद ही करना है। कुछ इस तरह की अगर आप लिमिटेशन सेट करते हैं तो आप देखिएगा कि आपका बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि आपको एक मत होना ज़रूरी है। अब आपके पास दो बच्चे हैं, आपने किसी और के लिए कुछ और रूल बना दिया, किसी और के लिए कुछ और रूल बना दिया, तो बच्चे इसको देखते हैं और उनको भी लगता है कि नहीं भैया को तो डांट नहीं पड़ी या फिर दीदी को तो डांट नहीं पड़ी। तो एक रूल या एक मत होना ज़रूरी है, और पेरेंट्स जितना ज़्यादा बायस्ड नहीं रहेंगे, मतलब उनको बायस्ड नहीं होना है कि नहीं इसके लिए मैं अच्छा करूंगी, इसके लिए नहीं करूंगी, इसके लिए डिसिप्लिन रखूंगी, आपको एक ही रूल घर पे बनाना है, और वो रूल चाहे वो आपका बेटा हो या बेटी हो,
आपके जितने भी बच्चे हैं उनके साथ एक ही रूल आपको फॉलो करना है, और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर आप स्टार्टिंग से लेके जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक अगर आप एक ही रूल को रखिएगा तो बच्चे भी आपकी इज्जत करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि जब अगर आप रूल्स बार बार चेंज कर रहे हो कि नहीं दीदी ये चीज़ें कर सकती हैं तुम नहीं कर सकते हो, तो उनके मन में भी आपके लिए इज्जत कम होती है। तो कुछ चीज़ों को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, और ऐसे रूल्स बनाइए जिसको आप लॉन्ग टर्म पर फॉलो कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको ऐसा लगता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब हम डिसिप्लिन सिखाएंगे, लेकिन बच्चे को डिसिप्लिन आपको राइट फ्रॉम द बिगनिंग ही सिखानी है। जब बच्चा पहली बार गलती करता है उसी समय आपको टोकना है। ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ ये पहली बार है हम क्या बोले, आपको उसको पहली बार में ही बोलना है कि ये चीज़ें आगे से नहीं करना। आप उनको पहली बार बताइएगा कि ये चीज़ें करनी गलत है, तो वो उस टाइम पे वो चीज़ें समझेंगे, और जब वो आपको लगेगा कि नहीं नहीं एक बार दो बार से क्या होता है, तो बच्चे भी इसको और भी ज़्यादा हल्के में लेना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी पहली गलती हो उस पहली गलती में ही आपको टोकना है और उन्हें रोकना है, समझाना है, तभी बच्चे आपके अनुशासन के रूल को समझ पाएंगे। सिर्फ अगर आप अनुशासन कर रही हैं लेकिन आप अनुशासन को खुद ही फॉलो नहीं कर रही हैं तो बच्चा कतई भी उसको फॉलो नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं आपकी पेरेंटिंग जर्नी में, इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करके देख लीजिए, आपका बच्चा खुद ब खुद सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएगा। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरा एक फेसबुक का पेज है सेम नेम से ट्विंस माय वर्ल्ड, उसको आप शेयर और सब्सक्राइब फॉलो कर रहे हैं बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।